लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्त की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी शुगर थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो। जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाएं, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा, वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहाँ है, हम लोग स्वीकार नहीं करते, हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके वजह कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ ठीक करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड ग्रेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पर बाहर जाता है, वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य है। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया, यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा। तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने दिव्य किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सवाल पूछिए। डॉक्टर मेरे ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का 1 अप्रैल लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया आपने। हाँ, तो मेरे अभी एसिड बहुत बंद, मेरी बैक एक प्रॉब्लम थी और मेरे अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बैक एसिड बनने लग गया, यहाँ पे जलन होती है ऊपर ब्रेस्ट के नीचे। टेबलेट मैं कोई खा नहीं सकती, अभी आर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया था, उन्होंने मेरे को न्यूरोबिन के वो टेबलेट दी और न्यूरोबिन के इंजेक्शन दिए। उन्होंने आपका नर्वस सिस्टम वीक मान लिया ना जी? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस मंच के माध्यम से आपके अलावा और बहुत सारे लोग भी सुन लेंगे, आपको इसके अलावा पहले कोई प्रॉब्लम थी और कोई ऑपरेशन भी करवाया आपने आज तक? मेरे को यूट्रस भी रिमूव है मेरा, मेरा पहले 3 साल पहले मेरे पैर में भी फ्रैक्चर हुआ, 6
छह महीने मैं बेड पे रही, उसके बाद मेरे ब्रेस्ट में वो था लंप था, नॉट थी, वो भी रिमूव करवाया। तो मतलब कि अभी प्रॉब्लम पे। अब आप ये बताओ, हंसने वाली बात यह है, उम्र कितनी है और वजन कितना है आपका? मेरा वजन पहले तो 73 था, अभी 63 है, 64 मतलब की। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 70 के करीब है। 70 के करीब है, हाँ ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि जब आपके यूट्रस आपने रिमूव कराया, वो 20-25 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, 25 साल पुरानी, ठीक है। अब मुझे बताओ, यूट्रस रिमूव हुई इसलिए थी कि उसमें एक रसौली थी या सिस्ट थी? फाइब्रॉइड था। फाइब्रॉइड था, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फाइब्रॉइड बना क्यों था, वो कारण कहाँ है? अब वो तो अगर आप उस टाइम पर वो कारण खत्म कर देते तो आपका गॉल ब्लैडर बच जाता। और अब आपने गॉल ब्लैडर रिमूव कराया जिसमें की पथरी थी। अब आपसे फिर सवाल पूछता हूँ कि गॉल ब्लैडर पथरी आई क्यों थी? यही गलती आपके साथ हो रही है और यही गलती हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं कि बीमारी की जड़ पर काम नहीं करते। बस काट लो, पीट लो, बस फटाफट पैसे दे दो, नमस्ते, जाओ अपने घर। बाद में किसी के कैंची छूट गई, किसी के अंदर ग्लव छूट गया, किसी के अंदर तौलिया रह गया, किसी के कोई नस एक्स्ट्रा कट गई, उसकी डेथ हो गई। तो ये आपके लिए आंखें खोलने वाली बात है कि हम बीमारी का कारण खत्म नहीं कर रहे। तो आप बेहिचक निश्चिंत हो जाइए, ये दोनों बीमारियां जो आपके दो ऑपरेशन हुए ना, गॉल ब्लैडर का और यूट्रस का, ये दोनों ऑपरेशन आपके लीवर खराब होने की वजह से हुए हैं। जब लीवर कमजोर होता है, लीवर इन्फेक्टेड होता है, लीवर फैटी होता है या खराब होता है, तभी यूट्रस में फाइब्रॉइड बनता है, तभी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं। लेकिन लीवर की चिकित्सा ना करके डॉक्टर ने दोनों जगह ऑपरेशन कर दिया। तो अब जो हो चुका उसको भूल जाइए, आगे कोई ऑपरेशन ना हो उसके लिए आप संस्था में बात कर लीजिए। हमारी संस्था के नंबर चल रहे हैं, वहां डॉक्टर से बात करके ना अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग दिव्या किट के साथ कुछ अलग दवाई चलेगी, आपको एसिड बनना भी बंद हो जाएगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आगे के लिए सभी दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि कभी भी डॉक्टर की बातों में आकर एकदम ऑपरेशन के लिए तैयार मत हो जाओ, पहले दो जगह ट्राई कर लो। होम्योपैथिक डॉक्टर भी जिंदा है, आयुर्वेद हमारे भारत का, एक बार बात तो करो उनसे कि क्या उनके पास बिना ऑपरेशन इलाज है। हाँ, गॉल ब्लैडर की पथरी बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है, हमारी संस्था के पास इलाज है। यूट्रस फाइब्रॉइड बिना ऑपरेशन निकल सकता है, हमारी संस्था के पास इलाज है। किडनी फेल बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है, किडनी डायलिसिस ठीक हो सकता है। लेकिन बीमारी, बीमारी की जड़ और आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधारना पड़ता है, तभी आप बच सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, हेलो। हाय, मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको स्लिप डिस्क है, ठीक है, और आपको अब और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैडम आपकी एज कितनी है और वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, 31 इयर्स ऑफ एज है। और कितनी कितनी एज कितनी बताई आपने? 31। और आपके बेबी ऑपरेशन से हुआ था क्या? सीजरन हुआ था, राइट। तो कमर में इंजेक्शन लगा था उस टाइम पे? नहीं। और तो एंथीसिया फुल दिया था उन्होंने? हाँ जी। वजन कितना बताया आपने? 60। तो ये कब से प्रॉब्लम है आपको डिस्क की? फिलहाल तो एक साल हो गया, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर एमआरआई कराया था, तो उसमें L4 L5 में प्रॉब्लम आई है कि L5 S1 में आई है? लोएस्ट ऑफ द बोन आया है, तो L5 S1 होती है। तो उसमें आपके पाँव में दर्द चलता है कोई, चीटियों जैसा, या कभी खिंच पड़ती है नीचे की तरफ? मुझे लेफ्ट लेग में नमनेस भी आ जाती है और पेन भी रहता है, और अब ये पेन मेरे को नीज में भी आने लग गया है। तो मैडम आप ये मान के चलो कि ये जो प्रोग्राम आपको दिखा है भगवान ने ही दिखाया है। आप ये मान लो कि अगर आपको ऑपरेशन कराना भी है तो आप डॉक्टर बोल दो मैं 3 महीने बाद करा लूंगी, और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लगभग 3 महीने में आपकी ये डिस्क प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है। आप ये प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद भी, हमारी संस्था में डॉक्टर्स हैं, आप चंडीगढ़ का नंबर लेके ना वहाँ डॉक्टर गीतिका से या डॉक्टर मिनालनी से बात कर लेना, और उनको अपनी प्रॉब्लम और बीमारी की जड़ बता के ना अपने अकॉर्डिंग दवाई मंगवा लेना, और परहेज करना थोड़ा सा साथ में, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव वाले को सूरज डूबने के बाद प्रोटीन नहीं खाना होता, उससे नुकसान क्या होता है कि बॉडी में जो रिकवरी है, जो बोन मैरो है और जो हमारी डिस्क के अंदर जो तंतु हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की बोन रिकवर नहीं कर पाती। तो ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा फिर डिस्क खराब हो जाएगी, उससे अच्छा आप इसी डिस्क को ठीक कर लीजिए और बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी, नो डाउट। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब। मेरा एज है 38, ठीक है, और वेट है 64 kg, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। कि मेरे ब्लड में शुगर नहीं है, यूरिन में 4+ पास होती है, तो मेरा वेट जो है ना लूज हो रहा है 1 महीने से। आपकी किडनी इन्फेक्शन, पहले कोई किडनी स्टोन हुआ था आपको कभी? हाँ पहले स्टोन था सर। सर अब देख लो, मैंने सिर्फ आपसे बात की और आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई है। बेसिकली आपकी किडनी इन्फेक्टेड हो गई है, स्टोन बनने की वजह से, आपका लीवर कम काम कर रहा है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बना, और जो स्टोन निकालने की आपने दवाइयां खाई होंगी कोई भी,
मार्केट से परचेज करके ना, या आपने जैसे मेडिकल स्टोर मिलती है, कोई बोलता है कोई पुड़िया खा लो जी, ये खा लो जी, वो खा लो जी, उसकी वजह से किडनी इन्फेक्टेड हो गई है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायबिटीज हुई नहीं है, आपको सिर्फ यूरिन में शुगर इसलिए आ रही है कि किडनी आपका जूस जो है वो प्रॉपर छान नहीं पा रही, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर ना जाके यूरिन में आ रही है। तो आप टेंशन ना लो, हमारी संस्था का एक उत्पाद है दिव्य किट, आप सिर्फ एक से दो महीने इस्तेमाल कर लेना, लेकिन सूरज डूबने के बाद कुछ दिन के लिए रात का खाना मत खाना, अगर आप चाहते हो जिंदगी भर के लिए ठीक रहना, तो आप एक से दो महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। मेरे को 6 महीने से काफी प्रॉब्लम थी, उससे पहले मुझे कफ में ब्लड आता था काफी ज्यादा, और डॉक्टर से मैंने पहले 3-4 साल पहले से मुझे प्रॉब्लम है, तो जब ब्लड आता था तो कोई मुझे टीबी का मेडिसिन खिलाई उन्होंने 1 साल तक, पर उसके बाद मैंने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको टीबी की दवाई ही नहीं खानी थी, मतलब गलत ट्रीटमेंट हो गया आपका। हाँ जी, उसके बाद ये प्रॉब्लम ऐसी चलती रही, एंटीबायोटिक्स मैं खाती रही और मेरा वजन जो है 15 किलो वजन कम हो गया। अच्छा। तो मैंने एक दिन आपका प्रोग्राम देखा था, तो उससे पहले मैंने आपका जैसे बात की तो दिव्य किट यूज की, तो पहले तो मुझे 1-2 महीना तो कोई खास रिलीफ नहीं आया, पर उसके बाद मैंने आपकी संस्था से बात करके कुछ मेडिसिन मंगवाई थी, ठीक है। तो उससे मुझे अब इतना रिलीफ है कि मतलब बाद में मुझे आपके डॉक्टर्स ने बताया भी कि जो टीबी की जो मेडिसिन आपको खिलाई गई थी वो गलत खिलाई गई थी, तो अब मुझे मतलब 4 साल से रेगुलर मुझे ब्लड आता था और मेरा HB भी 4 ग्राम रह गया था, बीच में मुझे ब्लड भी चढ़ाना पड़ा था, तो अब मेरा HB भी 8.6 के अराउंड आ गया है। Very good. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वजन भी मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस वजह से मुझे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब मैं कंसीव भी कर चुकी हूँ, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपकी संस्था का और डॉक्टर साहब का जिनसे मेरी बात हुई थी, और अभी मैं पर्सनली जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ अभी, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आपकी वजह से मैं आज ठीक हूँ। नहीं, ये हमारी वजह से नहीं, ये सब कुछ भगवान, देखो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, मेरा अकेले का प्रोग्राम नहीं है, हम खूब सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को शुरू किया कि भारत में जो गलत हो रहा है ना ट्रीटमेंट के नाम पे, इलाज के नाम पे, इसको रोका जाए और लोगों को अवेयर किया जाए, तो इस संस्था का धन्यवाद आपको करना चाहिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्रोग्राम में कॉल किया। और मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि दिव्य किट एक ऐसा उत्पाद है जो बहुत सारी रिसर्च, कई सालों की मेहनत के बाद हमने तैयार किया कि पूरे भारत के हर व्यक्ति को हर बीमारी में इतना लाभ पहुंच सके कि उसको कोई दवा खानी ना पड़े, उसका कोई ऑपरेशन हो ही ना, वो माँ बनने के सुख से वंचित ना रह जाए। अब आप देखो लेडीज की कितनी प्रॉब्लम होती है, सफेद पानी, चेहरे पे बाल आना, बच्चेदानी में रसौली होना, या कोई पीरियड्स टाइम पे ना आना, लुकोरिया या सिस्ट वगैरह, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, IVF करवा लो जी, तो ये बीमारियां जो इतनी सारी बढ़ रही हैं, बेसिकली हमें नॉलेज नहीं मिली ना स्कूल में ना कॉलेज में ना हमारे माँ बाप से कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या एक्सरसाइज करें। अब देखो पूरा भारत परेशान है, प्राणायाम करें, योगा करें, पार्क जाएं या जिम जाएं, हमने क्या किया इस दिव्य किट के अंदर एक 30 मिनट की CD डाल दी दिव्य साधना के नाम से, सिर्फ ये कर लो आप, वो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमने इसमें सारा कॉम्बिनेशन सेट कर दिया, प्राणायाम का भी, योगा का भी, मेडिटेशन का भी और एक्सरसाइज का भी। दूसरा, हमने एक अलौकिक शक्ति टैबलेट बना ली जो इसी दिव्य किट का पार्ट है, जिसको रोज खा के आपको कोई भी बीमारी हो वो अपने आप बॉडी के अंगों की रिजनरेशन होने से, रिपेयर होने से वो ठीक हो जाएगी। तीसरा, हमने क्या किया, बीमारी की जड़ पहचानने के लिए आपको इसमें एक CD डाली, अपना डॉक्टर खुद बने, जिसमें हमने हर बीमारी की नॉलेज और ट्रेनिंग दी ताकि आप अपना ध्यान हमेशा के लिए खुद रख सकें। और एक दिव्य शक्ति पाउडर है इस दिव्य किट का पार्ट, जिसको रोज खाने से कोई भी इंफेक्शन, वायरस, केमिकल आपकी बॉडी में सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे हार्ट की तकलीफ हो, चाहे स्टंट डला हो, चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे बच्चा हो चुका हो या बच्चा होने वाला हो, कैसा भी व्यक्ति, हर उम्र का, 3 साल से लेकर 100 साल तक, सब इस दिव्य किट को यूज कर सकते हैं, जिसको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है लोगों को कि लोगों की दवाइयां छूट जाती हैं, 20-20 साल पुरानी, इंसुलिन छूट जाती है और वो शुगर भी ठीक हो जाती है अगर टाइप 2 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको विश्वास करके
हमारी संस्था से जुड़ना होगा और समझना होगा कि यह संस्था उस तरह का काम नहीं कर रही जैसे टीवी पर आजकल हो रहा है, सामान बेचने वाली कंपनियां कर रही हैं या लोग आपके घर में आके खूब सारी दवाइयां बेच जाते हैं, इसे जोड़ ठीक हो जाएंगे, इसे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो ये ट्रस्ट का मकसद ही एक था कि आपके पूरे भारतीयों को, हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देना। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। हमारी संस्था ये दिव्य शक्ति और अलौकिक शक्ति नाम से एक किट तैयार करती है। किट के जो काम हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को पुष्ट करने का है। शारीरिक शक्ति के अंदर तो हार्मोन की पुष्टि, रक्त की पुष्टि, रक्त जनन, शोधन और स्तंभन होता है। और दिव्य अलौकिक शक्ति में ज्ञान तंतुओं का, चेष्टा नाड़ियों की पुष्टि होती है जिससे बुद्धि, नींद ठीक आना, हर चीज़ ठीक सोचना, हर विषय पर शुद्ध चिंतन करना, वो शक्ति इससे प्रदान होती है। ये दोनों शक्तियों का प्रयोग इस तरह से एक कायाकल्प कहा जा सकता है। कायाकल्प जो होता है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सातु धातुओं को पुष्ट करने का नाम होता है। इनमें तीनों दोष और सप्त धातु, इन सबके शुद्धिकरण के प्रयोग में ये बेहतर अपने खरी उतरी है। मुझे 2013 में मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी बच्चेदानी में कैंसर था, उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरे कीमो, 5 कीमो चढ़े, उसके 5 कीमो चढ़ने के बाद मेरे को मेरे पेट में फिर परेशानी हो गई, दर्द रहने लग गया, हर्निया की शिकायत हो गई, टॉयलेट भी रुक रुक के आने लग गया। फिर डॉक्टरों को दिखाया तो वो बोलने लगे कि आपको वो टॉयलेट के रास्ते स्टैंड पड़ेगा, और हर्निया के लिए बोल रहे थे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने मनीष जी का ये प्रोग्राम देखा टीवी में, जीना सीखो। मैं मनीष जी से मिली तो उन्होंने मुझे दिव्या किट दी, उससे मुझे काफ़ी आराम है, मुझे टॉयलेट भी आने लग गया और मेरे भूख भी मुझे ठीक से लगती है, काफ़ी मुझे आराम है। और मैं मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऊपर वाले का। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ब्रेक में देखा, ब्रेक में आपको दिखाया गया कि दिव्य किट एक ऐसा उत्पाद है जो सिर से लेकर पांव तक हर बीमारी में काम करती है। ये दिव्य किट हमने बनाई इसीलिए है कि हमें शुगर की, बीपी की, हार्ट की, किडनी की, लीवर खराब की, चश्मा लगना की कोई भी बीमारी ना आए। और हमारी संस्था है ये गॉडरेस फाउंडेशन, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली और चंडीगढ़ में है। आप लोग जो भी दर्शक हो कभी भी हमारी संस्था में आके देख सकते हो। ये संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप जैसे लोगों के सहयोग से जुड़ी हुई है, जिसने दिव्य किट इसलिए बनाई कि हम लोग लोगों का जो एलोपैथी पर जो खर्चा हो रहा है, ऑपरेशन पर जो खर्चा हो रहा है, वो बचा सके और पूरे भारत को जीना सिखा सके। क्योंकि इसमें सीडी, दिव्य ज्ञान, आहार का ज्ञान, दिव्य साधना, मतलब जो स्कूल कॉलेज में आपको सिखाना चाहिए था वो सब कुछ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आप और आपके परिवार में कोई भी बीमार ना पड़े, किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ, तो 4 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। ठीक है। वो हार्ट में हल्का हल्का पेन सा बना रहता है, अभी भी चलता रहता है। हाँ, एसिडिटी नहीं रुकने को आ रही। सर ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी अभी मैंने बोला, जैसे हमारे कोई भी किसी भी तरह का हार्ट अटैक हो, एंजाइनल पेन हो, हार्ट में पेन आ रही हो, या हार्ट में भारीपन या धड़कन बढ़ती घटती हो, ये बीमारी हार्ट की नहीं होती, ये लीवर की वजह से होती है। 90% हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टंट डालने के नाम पे, बाईपास सर्जरी के नाम पे 2-2, 5-5 लाख ले लिए जाते हैं और हम लोग सोचते हैं हमारा इलाज हो गया। आपको बताता हूं, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त समझते हो, एसिडिक चीजें खाने से। आपको दूध वाली चाय बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, कढ़ी, अचार, बूंदी का रायता और कच्चा नमक सफेद, ये आपको बंद करना पड़ेगा। और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, आपके अगर उन्होंने सर्जरी करी है तो बीमारी का कारण खत्म तो किया नहीं उन्होंने, स्टंट डाल दिया या सर्जरी कर दी, तो आप कारण खत्म कीजिए,
आप हमारी संस्था में कांटेक्ट कर लीजिए, तो थोड़ा सा खान पान चेंज करके और थोड़े से दिन दवाई खाकर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। हमारी संस्था का यही मकसद है कि भारत के लोगों को जागरूक करें कि आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो जाए, ताकि हमें विदेशी महंगी केमिकल युक्त दवाइयां ना खानी पड़े और हमारे भारत का पैसा भी बाहर ना जाए। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ, मैं क्रिकेट शर्मा बोल रहा हूँ, सिग्नल राजस्थान से। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मेरे को मतलब की शुगर और ब्लड प्रेशर है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरा वजन करीब 112-113 किलो है। 112 किलो। हाँ। और उम्र? उम्र मेरी हो गई 60। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप है मेरा अपोजी प्लस वो है। ये मेरे को ना मेरे मतलब की कॉल मिल गई मुझे। आप ये बताओ बीपी की गोली कब से खा रहे हो आप? बीपी की गोली तो हो गए मेरे को 10-12 साल से ऊपर। ठीक है। और शुगर की गोली कब से खा रहे हो आप? हाँ, शुगर की दवाई कब से खा रहे हो? शुगर की गोली मैं लेता हूँ करीब 21 साल हो गए। हाँ। तो आपने बहुत बढ़िया किया फोन करके। आप मुझे ये बताओ, सारे दर्शक सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है कि 10 साल से आप बीपी की गोली खा रहे हो। अगर बीपी की गोली बीपी का इलाज होती तो 10 साल से क्यों खा रहे हो? शुगर की गोली शुगर का इलाज होती तो 20 साल से क्यों खा रहे हो? हमारे देश में यही धोखा किया जा रहा है कि बीपी की गोली खिला देते हैं, शुगर की गोली खिला देते हैं, उसका कारण खत्म करने की ट्रेनिंग नहीं देते आपको कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, किस तरह आप अपने डॉक्टर बनो, किस तरह आपकी बीमारी ठीक हो। अब इसके बाद और कई तकलीफें आती हैं, कई बार हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार पेट खराब रहता है, कई बार लीवर कमजोर हो जाता है। अभी आपको और क्या तकलीफ है इसके अलावा? इसके अलावा और क्या तकलीफ है आपको? एक्चुअल में थोड़ा सा क्या होता है कि मेरा एक्चुअल में सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। सर्वाइकल का ऑपरेशन होने के बाद मेरी थोड़ी सी कमर में जो है ठीक है। और इसके अलावा कोई दिक्कत? पेट रोज साफ होता है आपका? पेट साफ नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। और एसिड बनता है आपको? एसिड बनता है आपको? एसिड तो कभी कभार हो गया, तो मतलब कि जो है ज्यादा चाय पी लेते हैं तब हो जाता है। अब चाय पीते हो? छोड़ दिया आपने? नहीं, चाय तो पीता हूँ। तो ये प्रोग्राम आपने पहली बार देखा, पहले से देख रहे हो? नहीं, एक आध बार और देखा था मैंने, आज मैं सुबह से ही देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। मैं ये आपके माध्यम से सारे भारत को बताना चाहता हूँ कि जो चाय पीते हैं हम दूध वाली, ये जहर है, ये चाय नहीं है। आप खुद सोचो, कोई भी पेड़ पौधे की पत्ती जब हम पानी में डालते हैं क्या रंग छोड़ती है? तो ये वाली पत्ती रंग क्यों छोड़ती है? इसको केमिकल में डुबो के रखा जाता है। जो हमारी महिलाएं घर में दुपट्टे रंगवाती हैं, जो दुपट्टा रंगने में रंग इस्तेमाल होता है, उसी रंग से चाय की पत्ती रंगी जाती है और पूरा भारत उसको सुबह उठ के पी रहा है। और बीपी का, शुगर का, पेट खराब का, एसिडिटी का, गैस का, तेजाब का, हार्ट की प्रॉब्लम का शिकार बन रहा है। तो अगर आपको चाय पीनी है तो आप देसी चाय, ग्रीन टी, हर्बल टी, लेमन टी पीजिए, नहीं तो बाबा रामदेव की दिव्य पे आती है वो पी लीजिए, आप बच जाएंगे। और आप अपना वजन घटाइए, 112 किलो है, इसको 80 किलो कीजिए। हमारी संस्था में कॉल कर लीजिए। दिव्य किट एक ऐसा उत्पाद है, चाहे आपको 25 बीमारियां हो, चाहे 15 बीमारियां हो, चाहे 4 बीमारियां हो, वो हर एक बीमारी की जड़ पर काम करेगी, क्योंकि उसमें पूरी ट्रेनिंग होगी, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं। एक उसके अंदर पूरा आपको सिखाया जाएगा रोज एक्सरसाइज क्या करनी है। हमारा भारत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि रोजाना सुबह उठ के लोम विलोम करें, कपाल भाती करें, जिम जाएं, पार्क जाएं, क्या करें। तो हमने एक 30 मिनट की सीडी बना दी, कुछ नहीं करना, सिर्फ वही कर लो। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना, उस तरह आपको हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सब धर्मों के लिए हमने एक ऐसी सीडी बना दी जिसको कर पूरा भारत घर पर ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारे भारत का पैसा जो विदेशों में दवाइयों के नाम पर, ये डायलिसिस मशीनों के नाम पर बच सकता है। हम बात कर रहे थे बीमारियों की, तो मैं आपको दिखा रहा हूं एक न्यूज़पेपर, ये दैनिक भास्कर का डीएनए न्यूज़पेपर है। ये क्या कह रहा है कि भारत में जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं वो गैर जरूरी बीमारी दवाइयों की वजह से हैं। मतलब हम लोग फालतू की दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर हमें दे रहा है अपने लालच में, अपनी कमीशन के लालच में। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ भैया, क्या है कि मेरे को जुकाम लगी रहती है, एंटीबायोटिक गोलियां लेता हूँ ठीक हो जाती है, फिर वापस जुकाम लग जाती है। आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? है जी, उम्र, वजन और ब्लड ग्रुप बता दो। हाँ भैया, एज मेरी 45 है और वजन मेरा 80 किलो है। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप तो मेरे को, मैंने कभी जांच नहीं करवाई। चलो ठीक है, आप ब्लड ग्रुप चेक करा लेना। और एक चीज सुन लीजिए, ये जो आपने जुकाम बताया, ये बेसिकली लो इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा ऑरा और हमारी स्पाइन, नर्वस सिस्टम वीक होता है, तब हमें सांस की नली में या फूड पाइप या नाक की हड्डी बड़ी होती है।
तो हम लोगों ने इसका क्या इलाज निकाला कि एक तो आपको खाना चबा चबा के खाना है, छोटी छोटी बाइट चबा चबा के खानी है, और खाने के साथ पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है, और अपने जो सुबह सुबह उठते हैं ना बिस्तर से, तो बॉडी को हिला के उठना है गर्म करके, तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी। हमारी संस्था ने जो दिव्य किट बनाई है ना, उसमें पूरी ट्रेनिंग है कि हार्ट पेशेंट को क्या करना है, लीवर पेशेंट को क्या करना है, गैस वाले को क्या करना है, तेजाब वाले को क्या करना है, और उसका नाम ही दिव्य किट का क्या है, अपना डॉक्टर खुद बने। तो बड़ी आसानी से दिव्य किट से आपकी ये जो तकलीफ है 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो दैनिक भास्कर की ये 24 नवंबर की मैं न्यूज दिखा रहा हूं कि सर्दियों के अंदर हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता है, और जिसको भी शुगर है, बीपी है, शुगर वाले को 70% हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, बीपी वाले को 80% हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। हाँ जी, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरी उम्र 51 ईयर्स है। ठीक है। तो मुझको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है गया 7-8 साल से। ठीक है। और उसके बाद में मुझको हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया है, और मुझको पिट्यूटरी माइक्रोमीडिया समझ गया मैं, माइक्रो एडेनोमा उसकी भी समस्या मुझको हो चुकी है, और मेरे हार्मोन जो प्रोलैक्टिन जो है ना एकदम एक्सेसिवली हाई है। ठीक है। और मुझको टेस्टोस्टेरोन मेरा कम है, मेरा लिबिडो एकदम डाउन है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको रोज सुबह पेट अच्छे से साफ होता है आपका? मुझको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है सर, मैं ऑलरेडी कैप्गोलिन टैबलेट में गया। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि जितने आपने बीमारियों के नाम बताए, इसकी शुरुआत आपके पेट खराब होने से हुई है। ये जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, सभी दर्शक सुन लें, चेहरे पर बाल आना, महिलाओं के पीसीओडी, बच्चा नहीं होना, या माहवारी में गड़बड़, या पुरुषों में मेल हार्मोन कम होना, फीमेल हार्मोन बढ़ना, या पिट्यूटरी ग्लैंड, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड, ये जो बीमारी है ये कब्ज की वजह से होती है। यानी कि पेट साफ ना ढंग से होना, या तो एकदम खूब सारे मोशन आना, या पेट साफ नहीं होना। तो इसके लिए एक तरीका होता है लीवर का इन्फेक्शन ठीक करना। तो हमारी संस्था ने जो दिव्य किट बनाई, उसमें एक टैबलेट आती है परम शुद्धि नाम से, वो सुबह उठ के 3 बजे खानी होती है, और सुबह 3 बजे उठ के आपको 5 साल बाद टॉयलेट जाना पड़ेगा। उससे जितना भी आपका रेक्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत में वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, केमिकल है, प्रिजर्वेटिव है, एसिड है, वो सब बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैसी भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, वो दवाइयों से ठीक नहीं होगी। अगर दवाइयों से ठीक होती तो थायराइड वाले को डॉक्टर जिंदगी भर दवाइयां क्यों खिलाते? लेडीज के चेहरे के बाल एक बार आने के बाद दोबारा जाते क्यों नहीं? क्योंकि आप कारण खत्म नहीं करते। तो आप अपनी बॉडी की शुद्धि कर लीजिए। मैं आपको ऋग्वेद का एक सूत्र बताता हूं, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, यानी कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ, सुखी, संपन्न जीता है। यानी कि आपकी बॉडी में फंगस, वायरस, इन्फेक्शन, केमिकल, पैरासाइट, टॉक्सिन और गैसेस पड़ी हैं। जिस दिन आप पूरे भारतवासी इसको निकाल के आउट कर दोगे, उस दिन आपकी 50 से 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो हमारी संस्था का जो उत्पाद है दिव्य किट, उसमें ये सारा उपाय, पूरी ट्रेनिंग, पूरी नॉलेज, वो सब कुछ है। वो आप लोग अपनाइए और अपने आप को और पूरे भारत को स्वस्थ बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इसी चैनल पर इस टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि ये दोष अपने स्थान से बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तो रोगों की उत्पत्ति होती है। जब हम गलत आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में अपक्व रस बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर के दोष बिगड़ते हैं और 7 धातु की वृद्धि और ह्रास होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्त की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही है, ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए।